क्लास पी नाइन्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेक्चर नंबर 61, टॉपिक यूनिट नंबर 1, वी विल डू ट्रांसलेशन ऑफ पैराग्राफ नंबर 8 एंड 9 पैराग्राफ, हाफ वी विल मेक ट्रांसलेशन ऑफ दिस वन पैराग्राफ। सो ओपन अट योर बुक, इट्स अ पेज नंबर 3 एंड यू ऑल्सो टेक आउट योर लेड पेंसिल फॉर राइटिंग द मीनिंग अबव द वर्ड्स ऑन द टेक्स्ट बुक। दिस इज द पैराग्राफ नंबर 8। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल है मीन चचा के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वाज सो इम्प्रेस्ड इतने मुतासिर हुए, इम्प्रेस्ड मीन मुतासिर हुए विद के साथ, हिज नेफ्यूज नेफ्यू अपने भतीजे के, हियर एपिस्ट्रोफ कॉमा इज यूज्ड विद दिस, सो दिस एपिस्ट्रोफ कॉमा मीन्स का की के वगैरह, विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन अपने भतीजे के फर्म पुख्ता या मजबूत डिटर्मिनेशन इरादे से कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इतने मुतासिर हुए डैट के ही रिप्लाइड उन्होंने जवाब दिया एज अ रिस्पेक्ट वी विल मेक ट्रांसलेशन ऑफ ही ईयर उन्होंने रिप्लाइड जवाब दिया कि उन्होंने जवाब दिया कि पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया Son of my brother, son बेटे of my brother मेरे भाई के बेटे go here mean चलते रहो thy way thy अपने your way mean रास्ते पर go thy way अपने रास्ते पर चलते रहो none will dare touch thee none कोई भी नहीं will dare mean जुरत करेगा touch छूने की दी तुम्हें go thy way अपने रास्ते पर चलते रहो none will dare touch thee तुम्हें कोई भी छूने की जुरत नहीं करेगा I shall never कभी भी नहीं forsake here mean छोड़ूंगा ये दी here mean तुम्हें I shall never forsake thee कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा These are the wording of uncle of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्फाज किसके थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और उनका नाम क्या था हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उन्होंने सुना तो उन्होंने आगे जवाब दिया कि मेरे भाई के बेटे गो दाई वे नन विल डेयर टच दी आई शेल नेवर फॉरसेक दी कि मेरे भाई के बेटे अपने रास्ते पर चलते रहो तुम्हें कोई भी छूने की जरूरत नहीं करेगा आई शेल नेवर फॉरसेक दी मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा पैराग्राफ नंबर 9 एंड और द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Did go the way चलते रहे the way उस रास्ते पर अल्लाह Almighty had chosen जो अल्लाह ताला ने had chosen मुंतखिब किया था फॉर के लिए mankind बनी नौ इंसान के लिए और पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते रहे जो अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के लिए मुंतखिब किया था imbued with here mean लबरेज भरे हुए या लबरेज with divine guidance divine अल्लाह ताला की guidance रहनुमाई से कि अल्लाह ताला की रहनुमाई से लबरेज and firm resolve here mean इरादा and firm resolve और पुख्ता इरादे से कि अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से लबरेज The Holy Prophet sallallahu alaihi wa sallam encountered here means samna kiya all the challenges kaise kehte hain mushkilat ka tamam mushkilat ka samna kiya with grace shaan ke sath and dignity aur azmat ke sath Pak Paighambar sallallahu alaihi wa sallam ne tamam mushkilat ka samna kaise kiya tha shaan o shaukat aur azmat ke sath पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना किया एंड द इडियोमेटिक ट्रांसलेशन यू विल डू लाइक दिस के अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता इरादे से लबरेज पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना शान और अजमत के साथ किया या शान और शौकत और अजमत के साथ किया नेक्स्ट पेज इन नो टाइम हियर मीन थोड़े ही अरसे में इन नो टाइम ही एलिवेटेड उन्होंने बुलंद किया मैन इंसान को टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल हाईएस्ट आला पॉसिबल मुमकिना एंड लेवल मीन सतह पर या मुकाम पर कि थोड़े ही अरसे में
ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, कि उन्होंने इंसान को आला मुमकिन मुकाम पर क्या किया, उनको बुलंद किया। इन बोथ दोनों में स्पिरिचुअल हेयरमिन रूहानी एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स कहते हैं सतों को, कि रूहानी और दुनियावी दोनों सतों पर थोड़े ही अरसे में उन्होंने इंसान को आला मुमकिन मुकाम पर बुलंद किया। ही वॉज़ ऑल्सो बी अ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग मीन अहम, फोर्स कहते हैं कुवत को, वो अहम कुवत भी थे बिहाइंड पीछे, अरब कॉन्केस्ट अरब की फतूहात के पीछे वो अहम कुवत भी थे। विच हैव क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मीन पैदा किया है, एंड एवर लास्टिंग हमेशा रहने वाला, एवर लास्टिंग मीन हमेशा रहने वाला इम्प्रेशन, तासुर, जिसने हमेशा रहने वाला तासुर पैदा किया है ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर, हिस्ट्री मीन तारीख, ह्यूमन इंसानी। ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स, वो भी अहम कुवत थे बिहाइंड अरब कॉन्केस्ट अरब की फतूहात के पीछे। ही इज़ यूज फॉर पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो अरब की फतूहात के पीछे अहम कुवत भी थे। विच हैव क्रिएटेड एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, कि जिसने इंसानी तारीख पर हमेशा रहने वाला तासुर पैदा किया या कायम किया। नो वंडर, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। ही इज़ के वो हैं यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, यूनिवर्सली आलमी तौर पर, कि उनको आलमी तौर पर एक्नॉलेज्ड जाना जाता है या तस्लीम किया जाता है। एस के तौर पर द मोस्ट, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बा असर, फिगर है मीन शख्सियत, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, कि सबसे ज़्यादा बा असर शख्सियत के तौर पर उन्हें तस्लीम किया जाता है आलमी तौर पर इन हिस्ट्री, तारीख में। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिस्ट्री। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं कि उनको तारीख में सबसे ज़्यादा बा असर शख्सियत के तौर पर, आलमी तौर पर जाना जाता है। विप्रम मार्क अप टू हियर, इन दिस लेक्चर वी विल डू हाफ ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ पैराग्राफ नंबर 9, अप टू फर्स्ट हाफ ऑफ पैराग्राफ नंबर 9 वी विल डू टुडे हियर। यू पीपल विल लर्न वर्ड्स मीनिंग एंड देन यू विल लर्न ट्रांसलेशन, एंड स्टूडेंट व्हेन यू विल राइट डाउन ट्रांसलेशन ऑन योर नीट नोटबुक, यू विल डू और राइट डाउन द ट्रांसलेशन idiomatically. Idiomatic ट्रांसलेशन यू हैव टू मेक ऑन योर नीट नोटबुक। यू विल नॉट राइट डाउन द ट्रांसलेशन इन उर्दू इन पार्ट्स। पार्ट्स में वर्ल्डली ट्रांसलेशन आपको समझाने के लिए बेटा करवाई जाती है, लेकिन जब आप नोटबुक पे करते हो तो आपने idiomatic मीन मुहावरा ट्रांसलेशन उर्दू में लिखनी होती है, और वो आप उसी टेंस में लिखोगे जिस टेंस में आपको इंग्लिश में सेंटेंस दिया जाता है। सो यू हैव टू राइट डाउन एंड लर्न दैट ट्रांसलेशन प्रॉपरली। 9th